क्या सच में आज दिन तक चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया? क्या जो भी हमसे बोला गया था वो सब झूठ था? चांद जिस पर रहना लोगों का सपना है, और चांद दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रियलिटी में खतरनाक भी, क्योंकि चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर रहना लगभग इम्पॉसिबल है। और ना ही चांद पर पृथ्वी के मुकाबले उतनी ग्रेविटी है। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग है? लेकिन रुको, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में चांद पर कोई व्यक्ति गया था या फिर नहीं? कुछ थ्योरीज़ के हिसाब से आज दिन तक कोई भी व्यक्ति चांद पर गया ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम सबको तो बताया गया है कि चांद पर अब तक 12 इंसान जा चुके हैं, तो फिर ये तुम क्या कह रहे हो? तो आपको अपोलो 11 मिशन याद ही होगा, उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी जिसमें एस्ट्रोनॉट अमेरिका का फ्लैग लगा रहे थे। पर क्या आपने वहाँ पर कुछ नोटिस किया कि वो फ्लैग थोड़ा बहुत लहरा रहा था, मतलब कि थोड़ा बहुत हिल रहा था? और वो फ्लैग हिल कैसे सकता है, जबकि हमको तो ये पता है कि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मतलब कि चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, चांद पर हवा होती ही नहीं है, तो फिर वो फ्लैग हिल कैसे सकता है? और यही नहीं, जब सैटेलाइट चांद पर गया था तो उसने एक फ़ोटो कैप्चर किया था, और उसी के आधार पर और उसी फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही उस वीडियो को बनाया गया था, जो कि हमें यहाँ पर अभी यूट्यूब पर देखने के लिए मिलता है, या नासा की तरफ से जो ऑफिशियल अपोलो 11 मिशन की जो वीडियो फुटेज है वो देखने के लिए मिलती है, वो उसी फ़ोटो के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। और क्यों नासा ने हमें कोई दूसरा लोकेशन नहीं दिखाया? क्यों वही लोकेशन दिखाया, और क्यों सिर्फ वो एक जगह ही दिखाई? तो इसका आंसर है उस फोटो के आधार पर, जो कि सैटेलाइट ने कैप्चर किया था, उस फोटो के आधार पर पृथ्वी पर एक सेट बनाया गया था बिल्कुल चांद की सरफेस जैसा ही, और फिर वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो शूट किया था, और जो कि पृथ्वी पर ही हुआ। और अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो एस्ट्रोनॉट है वो जंप कर आगे पीछे बढ़ रहे हैं, ना कि जो ग्रेविटी है उसको ग्रेविटी को लो फील करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो एस्ट्रोनॉट है वो जंप कर आगे पीछे जा रहे हैं। तो क्या सच में ये जो मिशन था वो पूरा फेक था? क्या सच में नासा ने हमसे झूठ बोला है सिर्फ फेम और कुछ लोगों का अटेंशन पाने के लिए? तो ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंसी थ्योरी है और इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि नासा ऐसा क्यों करेगा भाई? दुनिया से झूठ क्यों बोलेगा? उसको क्या मिल जाएगा झूठ बोलकर? थोड़े बहुत पैसे ही मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक ये थ्योरी है जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस करके जाना। तो बाय।